हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मधुमिता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दुर्गा पूजा का एक ट्रेडिशनल मेकअप लुक। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। मैं पहले एल्प्स गुडनेस का टोनर लेके यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं लोटस का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर मैं ये एल्प्स गुडनेस का ऑरेंज जेल यूज़ कर रही हूँ। मेरा ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर मुझे सूट करता है बहुत अच्छे से। मैं दीदी के साथ बात कर रही थी वीडियो करते करते। फिर मैं NYB का नियासिनामाइड ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये सीरम बहुत अच्छा है। फिर मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो जेल बेस्ड है, मेरे ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये प्राइमर। फिर मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, ये डार्क ब्राउन शेड है, इसको मैं सिर्फ अपने आईब्रो को डिफाइन करूँगी मतलब अच्छे से। सिर्फ एक्स्ट्रा जो है उसको फिल की मैं। फिर मैं NYB का कंसीलर स्टिक लेके यूज़ कर रही हूँ, अपने जो भी जगह पे मेरा डार्क सर्कल है उस जगह पे मैं थोड़ा उस डार्क सर्कल या कोई भी स्पॉट्स छुपाने के लिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए भी मैं उस जोन में यूज़ कर रही हूँ जिस जोन में थोड़ा हाईलाइट करने का ज़रूरत है। फिर मैं डार्लिंग इज़ाबेला का मैं यूज़ की कंसीलर। फिर मैं 20 समथिंग के पैलेट से, आई शेडो पैलेट से एक मैट लाइट कलर का ब्राउन टू येलो शेड वो है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए आई बेस। ये बहुत अच्छा पैलेट है, इसका रिव्यू मेरे चैनल में दिया हुआ है, प्लीज़ आप लोग जाके चेक करना उस वीडियो को। फिर मैं उसी पैलेट से मैं एक ऑरेंजिश रेड शेड लेके मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको अपने क्रीज पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश से। फिर मैं मार्स के पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उस वहाँ से मैं एक शिमरी पिंकिश रेड कलर में यूज़ कर रही हूँ। वो एक्चुअली इस टाइप का शेड, जो भी शिमर शेड है, वो हाथ से ज़्यादा पिगमेंट, उसका पिगमेंटेशन ज़्यादा पता चलता है, तो मैं हाथ से यूज़ की दोनों आईज पे। फिर आ गई हूँ उस पैलेट से 20 समथिंग की उस पैलेट में। फिर मैं हाफ कट क्रीज लुक करूँगी, इसलिए मैं डार्लिंग इज़ाबेला का वो कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ। वो मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी ये मेकअप लुक नहीं किए थे, मतलब हाफ कट क्रीज वाला मैंने कभी ट्राई भी नहीं किए थे। तो फिर मैं 20 समथिंग के पैलेट से वाइट वाला मैट शेड ली और मार्स के पैलेट से शिमरी वाला वाइट शेड ली, जो मैं उसके ऊपर अच्छे से ब्लेंड की। फिर मैं SQ के आईलाइनर, ये बहुत अच्छा आईलाइनर है, इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप लोग प्लीज़ देखना, उसको मैं अच्छे से लगाई दोनों आँख पे। फिर मैं ये के ब्यूटी के जो काजल है स्पेड, ये मैं लगाऊंगी अपने वाटर लाइन पे, ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है इसलिए मैं इस काजल को यूज़ करती हूँ, मतलब यूज़ कर रही हूँ, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। लाइट के प्रॉब्लम से थोड़ा आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा फेस, मेरे फेस में थोड़ा एलर्जी रैशेज हुआ है,
तो जो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल रहा है, लेकिन ये जो भी है ये काजल, ये मेरा फेवरेट काजल है फेसेस का, ये मैं यूज़ हर वक्त करती हूँ। और ये फिर मैं अपने शेड एक्चुअली चेक कर रही थी, मैं वेट एंड वाइल्ड का ये जो फोटो फोकस फाउंडेशन है ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं मिंत्रा से ली थी, ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से सूट किया था, ये जो भी मेरा शेड है सॉफ्ट बेज ये कलर, मैं उसी को फिर लेके मैं थोड़ा पूरे मतलब फेस पे ब्लेंड करूँगी अभी। सिर्फ डैब डैब कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है, मतलब रब नहीं करना, सिर्फ डैब डैब करना है। वो स्पंज जो है वो और ब्यूटी ब्लेंडर जो भी है उसको मैं गीला करके फिर मैं यूज़ कर रही हूँ। गले में भी यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो दो दो जगह का स्किन अलग हो जाएगा तो अजीब लगता है। फिर मैं ये फिटमी का ये जो कॉम्पैक्ट है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ सेट करने के लिए। ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट है अफोर्डेबल रेंज में, मैं पर्पल से इसको ली थी, ऑफ चल रहा था, 129 में मुझे मिल गया था। फिर मैं थोड़ा बहुत मेरा जो भी डार्क सर्कल था और भी पता चल रहा था वो मैं छुपाने के लिए NYBA का कंसीलर मैं यूज़ की। एक्चुअली मेरा पिंपल का स्पॉट भी है, हो मतलब स्पॉट था तो उसको भी मैं छुपाई। एक्चुअली वो नया ही है वो पिंपल जो है, मैं इस जगह इसलिए इसको ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो कॉन्टूर वो है वो मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क है, इसलिए मैं पहले वो यूज़ करके फिर मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इस कॉन्टूर करने के लिए मैं लैक्मे का ये जो ब्राउन लिपस्टिक है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कलर बहुत अच्छा है इसलिए। फिर मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से मैं ये शेड लेके अपना ब्लश यूज़ की। फिर मैं NYBA का मेरा फेवरेट लिपस्टिक है इसको मैं एज ए ब्लश यूज़ की। फिर मैं उसी पैलेट से अपने हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटिंग जो भी शेड है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ उस पॉइंट पे जिस पॉइंट हाईलाइट होते हैं। फिर मैं एक के ब्यूटी का एक न्यूड लिप लाइनर से मैं अपने होंट में जो भी पिगमेंट हुआ था उस चीज़ को छुपाने के लिए मैं एज ए बेस यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं ये लैक्मे का ये जो लिपस्टिक है ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो है ये रेड कोट लिपस्टिक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं सेट कर रही हूँ ब्लू हेवन के। देख मोन काश मोन तुलछे जे शारी कबे ठाक तेबे डाक दिन मुंछे जे तारी। देख मोन काश मोन तुलछे जे शारी कबे ठाक देवे डाक दिन गुंछे जे तारे। शिवली माखा गल्प आगमनेर सुर तुमार टुलिर गंध छड़ालो। बोलो बोलो दुक्का